नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। फारबिसगंज समेत भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में नशीली प्रतिबंधित कफ सिरप के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय। फारबिसगंज थाना पुलिस की ओर से लगातार गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कफ सिरप पकड़ने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में थाना क्षेत्र के ढोल बच्चा के निकट नेशनल हाईवे नंबर 57 फोर लेन सड़क पर कार्रवाई करते हुए पटना नंबर की एक कार से 8 कार्टून में रखे 1300 प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किए गए। फारबिसगंज थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु ने गुप्त सूचना पर PSI अमित कुमार, राज नंदिनी कुमारी, जुली कुमारी और ASI सतेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर कार्रवाई की और सिगोरो लग्जूरियस कार केस जांच करने पर उसमें रखे 8 कार्टून प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किए गए। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई के दौरान कार का एक चालक फरार होकर पटना से फारबिसगंज होते हुए अररिया की ओर जा रहा था और सूचना पर नाकाबंदी करते हुए पुलिस ने यह बरामद की। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।